come in, sir? Yes, please. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Introduce yourself with this code. So my code is 1973. सर मैं एक लॉ ग्रेजुएट हूँ और राष्ट्रीय स्तर का तैराक हूँ और राष्ट्रीय स्तर का ही मैं स्क्वाश का प्लेयर रहा हूँ सर। तो करीबन 7 बार स्टेट को रिप्रेजेंट करने का मुझे मौका मिला। मैं सर पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से लॉ ग्रेजुएट हूँ। ग्रेजुएशन करने के पश्चात सर मैंने 1 वर्ष दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में MA सोशियोलॉजी की पढ़ाई की, पर दोनों चीज़ों को मैं तैयारी के साथ साथ कोर्स करना मुझे थोड़ा मुश्किल हुआ, तो मैंने तैयारी पे अपना सारा फोकस किया सर। उसके बाद तब से सर मैं तैयारी कर रहा हूँ। उस कोड के बारे में जो आपके पास है उसके बारे में कुछ और बताना चाहते हैं आप, उससे संबंधित कोई जानकारी आपके पास हो? सर ये इंदिरा गांधी के इरा का समय, अगर हम इसको वर्ष देखें तो इंदिरा गांधी के समय का इरा है ये, जिस दौरान इमरजेंसी का दौर था। और इसमें इसी वर्ष सर अगर शायद ठीक हूँ तो राज नारायण सिंह का एक बहुत ही फेमस, बहुत ही मशहूर केस जिसमें इंदिरा गांधी के इलेक्शन को क्वेश्चन किया गया था, वो इसी साल शायद वो आया था सर। आप लॉ ग्रेजुएट भी हैं, LLB आपने ऑप्शनल रखा हुआ है सर। तो अगर कोई व्यक्ति सर अपना ही सामान चुराए सर, तो उसे क्या सजा होगी, उसकी क्या प्रक्रिया होगी? अगर वो सामान सर कहीं गिरवी रखा गया है, और क्योंकि सर चोरी का जो ऑफेंस है, अपराध है, वो पोजेशन का अपराध है ना कि ओनरशिप का, तो जिसकी पोजेशन में वो प्रॉपर्टी है अगर वो लॉफुली उसकी पोजेशन में है तो वो अपने ही सामान को भी चोरी कर सकता है, उस पर चोरी का अपराध लग सकता है। पर अगर वो सामान अनलॉफुली किसी के पास है, किसी की पोजेशन अनलॉफुल है, तो उस सिचुएशन में सर वो अपराध नहीं होगा। जैसे मान लीजिए एक आदमी था सर, वो मेरी भैंस मांग के ले गया सर, ठीक है सर, कि सर हमको 2 दिन के लिए दे दीजिए। मैंने उसको अपनी भैंस दे दी सर। 2 दिन बाद गया तो घर पे उपलब्ध नहीं था सर, और मैं उसके यहाँ से अपनी भैंस खोल के ले आया। तो यहाँ पर क्या होगा, चोरी का अपराध है कि नहीं लगेगा सर? इसमें अगर वो आपसे आपकी गाय या भैंस जो भी है सर, वो अगर आपसे किसी गिरवी के तौर पे या मांग के ले गया था, मैंने उसको दे दिया था 2 दिन के लिए सर, 2 दिन बाद उसने नहीं लौटाया मुझे सर, तो मैं गया वहां से उसकी अनुमति के बिना खोल के ले आया सर। इसमें हम क्योंकि इंटेंशन डिसऑनेस्ट नहीं थी, जो एक चोरी के अपराध में एक इंग्रेडिएंट होता है कि डिसऑनेस्ट इंटेंशन भी होना बहुत जरूरी है, तो इसमें किसी तरह की डिसऑनेस्ट इंटेंशन नहीं थी। उसकी खुद की गाय थी, उसके घर पे ना होने के बावजूद वो लेकर आया। अगर सर आप मुझे इसमें आगे अगर बताना अगर देंगे तो एक सुप्रीम कोर्ट का बहुत ही फेमस केस भी है, केस चंद वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, बिल्कुल सेम जिस तरह से आपने सवाल पूछा है, जिस तरह के फैक्ट्स दिए हैं बिल्कुल सेम ही फैक्ट्स हैं उस केस में भी, और उसमें भी सर यही हेल्ड हुआ है। तो मैं सुप्रीम कोर्ट की अथॉरिटी को मानते हुए मैं आपको उसका वो बता रहा हूँ सर। ओके, तो आप लॉ ग्रेजुएट हैं सर, पंजाब यूनिवर्सिटी से किया है आपने, ठीक है, उसके बाद आपने सोशियोलॉजी भी पढ़ा है सर। ओके, आप अभी ग्लोबलाइजेशन के लिए सर, जब हम ग्लोबलाइजेशन का जो वर्ड देखते हैं तो उसमें एक जगह S आता है, एक जगह Z आता है। वैश्वीकरण जो जब हम उसको हिंदी देखते हैं तो वैश्वीकरण ही आता है सर, लेकिन उसमें जब हम स्पेलिंग लिखते हैं तो एक जगह S वर्ड इस्तेमाल किया जाता है, GLOBALSATION, एक जगह Z आता है, आखिर क्यों ऐसा है? वैश्वीकरण और भूमंडलीकरण दो वर्ड एक ही इसके लिए है सर। कभी मैं ज्यादा गौर नहीं किया इस चीज पे, तो मैं माफी चाहूंगा सर मुझे इस बारे में। ओके, चलिए, आज प्रधानमंत्री जी हमारे किसी देश की यात्रा पे गए हैं, क्या कारण है जाने का? सर बांग्लादेश के दौरे पे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी गए हैं। वहाँ सर 50वीं जो 1971 की लड़ाई का ये वर्ष उनका 50वीं साल पूरा होगा, तो उस दौरे पे गए हैं सर। दूसरा, अगर हम इसको इंटरनेशनल रिलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखते हैं सर, तो उस हिसाब से सर ये हमारा वास्तविक उद्देश्य, वो तो गए हैं वहाँ तो बातचीत होगी सर। एक तो आपने कहा कि भाई उनका 71 में जो युद्ध हुआ था उसके बाद जीते और उनकी स्वतंत्रता हुई, ठीक है, और उसके बाद
आप देखते हैं कि और भी कोई कारण था जाने का, कुछ कोई किसी विशेष बड़े लीडर को का कुछ जन्मदिन या क्या कुछ कोई? यस सर, एक म्यूजियम बनाया गया है वहाँ के जो फाउंडर फादर बोलते हैं जिनको, मुजीबुर रहमान, उनके म्यूजियम में भी जाने का कार्यक्रम है सर जी। क्या कारण था कि भारत को इंटरवेंशन करना पड़ा? इंडिया ने उसमें जो बांग्लादेश में जो उथल पुथल हो रही थी वो, उसमें क्यों इंटरवेंट किया इंडिया? सर इंडिया हमेशा से ही पोस्ट इंडिपेंडेंस, हमेशा से ही सर इंडिया ने डेमोक्रेसी के फेवर में, और जहाँ भी कहीं भी जहाँ सर अनकॉन्स्टिट्यूशनली बिना कानून के सिस्टम चला, वहाँ इंडिया ने हमेशा अपनी आवाज़ उठाई। तो वहाँ आवाज उठाना और मिलिट्री इंटरवेंशन सर, दोनों तो अलग अलग चीज़ें। सर बिल्कुल, मैं उसी चीज़ पे आ रहा हूँ सर। तो सर एक कारण तो ये था कि इंडिया का हमेशा से ही राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे एक स्टैंड रहा है, और दूसरा हमारा नेबर, हमारी बहुत ही नज़दीक पड़ोसी देश था, तो उसका कुछ ना कुछ इम्पैक्ट सर हमारे देश पे भी आ सकता था, हुआ भी सर। रिफ्यूजीज़ का बहुत माइग्रेशन हुआ, बहुत सारा इन्फ्लक्स हुआ, बहुत सारे लोग वहाँ से आए सर, और उससे हमारे को भी प्रॉब्लम हो सकती थी। तो इंडिया ने सर, और कुछ हमारे पुराने रिलेशन, क्योंकि पहले तो अखंड भारत पूरा एक ही भारत था, तो हमारे कुछ रिलेशन भी थे, तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए उस समय की प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी ने वो डिसीजन लिया सर। तो आपका इतना अच्छा करियर, ब्राइट करियर रहा है, इवन आप 7 टाइम नेशनल चैंपियनशिप आपने जीती है सर, तो फिर स्पोर्ट्स के फील्ड में क्यों नहीं आ गया आपने पशु के अपने करियर? सर कभी से मुझे सिविल सर्विसेज में ज्वाइन करना मेरा सपना रहा, मैं बहुत पैशनेट रहा सर। उसके कई कारण थे, बोले मूल कारण सर मेरे परिवार ने का जो कॉन्ट्रीब्यूशन से मैं इंस्पायर्ड हूँ, जिसकी वजह से मैं सर्विस ज्वाइन करना चाहता हूँ सर। अगर आप मुझे अनुमति देंगे तो मैं थोड़ा आपको उसके बारे में बताऊँगा सर। सर मेरे दादाजी सरपंच रहे 20 साल तक, उसके पश्चात उनसे प्रेरणा लेके मेरे पिताजी ने आगे सिविल सर्विसेज की कोशिश की, पर किसी कारणवश वो नहीं कर पाए, तो उन्होंने हायर एजुकेशन में एज अ प्रोफेसर अपनी सेवाएं, शिक्षा के क्षेत्र में अपनी सेवाएं दी सर। उसके बाद सर उन्होंने सुनिश्चित किया कि उनके दोनों बेटे या तो देश की सेवा में कोई कार्य करें या फिर पब्लिक सर्विस में किसी भी रूप में कार्य करें सर। उसी के अनुसार सर मेरे बड़े भाई ने भारतीय नौसेना ज्वाइन किया और मैंने सर सिविल सर्विसेज में, मतलब आप अपने फादर की ड्रीम को आगे ले जाना चाहते हैं सर। मैं अपनी फादर के ड्रीम को नहीं, फादर के ड्रीम को नहीं, एक अच्छी लेगेसी को, पब्लिक सर्विस की लेगेसी को मैं कंटिन्यू करना चाहता हूं। मेरे पे किसी तरह का कोई दबाव नहीं है। तो इसका मतलब आपका इंटरेस्ट है या नहीं? सर वही मैं आपको जैसे बता रहा हूं सर, मेरा सपना ये है कि जो अच्छे काम मैंने देखे हैं वो मैं कंटिन्यू करता रहूं, उसमें अपना योगदान देता रहूं। अगर मुझे सिविल सर्विसेज में मौका मिलेगा तो मैं ज़रूर यहाँ दूंगा, और नहीं तो मैं लॉ ग्रेजुएट हूँ तो मैं अपनी सेवाएं किसी भी रूप में समाज के लिए मैं देता रहूँगा, तो ये मेरी प्रेरणा ज़्यादा है। आप लॉ ग्रेजुएट हैं, अभी रिसेंट 3-4 ईयर्स में सुप्रीम कोर्ट के कुछ वर्डिक्ट जो रहे हैं सर, वो मैरिज जैसे इंस्टीट्यूशन के लिए उसने बहुत सारा प्रॉब्लम भी खड़ा किया है, क्या आप एक दो ऐसे सेक्शन को कोट करना चाहेंगे? जैसे कि मैरिज जैसी जो हमारी इंस्टीट्यूशन रही है सर, उस पर कुछ खतरा हो सकता है मे बी इनकमिंग फ्यूचर? सर अगर हम अपने समाज के हिसाब से मैरिज को एज ए इंस्टीट्यूशन देखें तो बहुत ही सेक्रेट इंस्टीट्यूशन माना गया है हमारे समाज में मैरिज को। और सर कुछ पर्सनल लॉज, अगर मैरिज को देखें तो लॉ में हम उसको पर्सनल लॉ बोलते हैं, उसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों ही लॉज होते हैं, तो सर कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने उन लॉज को थोड़ा सा समाज के साथ एक साथ लाने में कोशिश की है, क्योंकि वो जो कानून थे सर बहुत पुराने थे, आज का समाज वैसा नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट ने समस्याओं को कम करने की कोशिश की है। और थोड़ा बहुत विरोध कई बार कुछ सेक्शन में ज़रूर होता है जो काफ़ी हद तक रिजेक्ट होते हैं, तो मैं सर इसको समस्या नहीं देखूंगा, मैं एक बहुत अच्छा स्टेप देखूंगा कि फ्यूचर में, भविष्य में इस तरह की समस्याएं नहीं होंगी, और हमारी जो सोसाइटी की नीड्स हैं उसके हिसाब से हम इन जजमेंट्स को पॉजिटिव उसमें देखें। जजमेंट वो तो मैं जानना चाह रहा हूं, ट्रिपल तलाक जो पर्सनल लॉ है सर, उस पे भी देखता हूं सर मैं। कुछ पर्सनल लॉ सर हमने जहां मैरिज से रिलेटेड मैं पूछ रहा हूं सर आपसे, मैरिज से सर। सर उसके बाद सर हमने एडल्ट्री को एक क्रिमिनल ऑफेंस को हमने, जो पहले न्यूट्रल नहीं था, जेंडर न्यूट्रल नहीं था, सेक्शन क्या था ये?
सर सॉरी मैं रिकॉल नहीं कर पा। और एडल्ट्री के अलावा? सर एडल्ट्री के अलावा सर मैरिज से रिलेटेड तो शायद मुझे याद नहीं आ रहा, पर कुछ पर्सनल लॉ पे पूछेंगे तो मैं आपको जरूर कुछ और रिसेंट बता सकता हूँ। आप ये बताइए एडल्ट्री का जो ये फैसला है सर, उसको किन ग्राउंड पर सुप्रीम कोर्ट ने उसको मतलब क्रिमिनलाइज जो था ऑलरेडी उसको हटा दिया, क्राइम नहीं रहा सर, किन बेस पे? सर सबसे पहले तो आर्टिकल 14 जो इक्वालिटी की बात करता है कि जो हमारे मेल और फीमेल को बराबर हक है और बराबर इक्वालिटी का, तो सबसे पहले तो सर आर्टिकल 14 के ही कॉन्फ्लिक्टिंग था ये। ठीक है, और सर इसको देखें हम तो सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जो कॉन्स्टिट्यूशन की 142 की जो उनकी एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर है जिसमें वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी डिसीजन ले सकते हैं उसका प्रयोग करते हुए जस्टिस करने की कोशिश की सर। ठीक है, आपका बर्थ कहाँ हुआ, किस स्टेट में? हरियाणा में हुआ। हरियाणा में सर, हरियाणा की भाषा, हरियाणा का लाइफस्टाइल, हरियाणा का पैटर्न, हर कुछ जो है उत्तर प्रदेश से बहुत हद तक डिफरेंट रहा है, तो आपको नहीं लगता कि एडमिनिस्ट्रेशन जब आप आएंगे तो कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं? सर अगर आप मुझे अलाउ करें तो मैं इसको अगर थोड़ा सा रीफ्रेस करना चाहूँगा आपके क्वेश्चन को। ठीक है, कि हमारा रिलेशन, हमारा कल्चर काफ़ी हद तक सेम रहा है। मैं उसके सर आपको बताना चाहूँगा कि जिस जिले में मैं पैदा हुआ हूँ हम नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट रहा है शामली डिस्ट्रिक्ट से, तो जो वेस्टर्न यूपी और ईस्टर्न हरियाणा सर इतना मिला जुला सा सिस्टम रहा है कि कभी महसूस ही नहीं हुआ उस एरिया में कि आप हरियाणा में हैं क्या यूपी में। और अगर मैं बात करूं पूर्वांचल की, पूर्वांचल की बात सर, सर सर अगर सर हम यूपी को, पूरे यूपी को देखें सर हम, तो एक तो सबसे बड़ी बात है कि हमारी भाषा एक ही है, हिंदी भाषा ही दोनों राज्य हैं सर। और दूसरा सर अगर हम हिस्ट्री में जाएँ तो एक समय उत्तर प्रदेश का ही हिस्सा था हरियाणा, उसके बाद पंजाब में गए और उसके बाद एक अलग राज्य बना, तो देखते हुए और ऊपर सर हम अगर इसमें देखें दोनों ही स्टेट एग्रीकल्चर फोकस स्टेट हैं, ज़्यादातर ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं है, दोनों जगह एग्रीकल्चर में इकोनॉमी में ज़्यादा फोकस है लोगों का सर। फिर सर अगर हम त्यौहारों में कल्चरली देखें कुछ, तो जैसे तीज जैसे त्यौहार हैं सर जो वृंदावन में मनाए शुरू हुआ, जिसका माना जाता है कि कृष्ण भूमि के से शुरू हुई वो चीज़, उसको हरियाणा में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। और सर उसके अलावा बहुत सारे ऐसे भी कारण हैं, जैसे और चीज़ें मैं आपको अगर आपको बताऊं कि लोगों की एग्रीकल्चर लैंड भी एक दूसरे के स्टेट में, हरियाणा के लोगों की यूपी में है। और ठीक है सर, एजुकेशन को बेटर करने के लिए रिसेंट जो गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश है उसने क्या क्या इनिशिएटिव लिए हैं इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन सर, स्पेसिफिकली 1, 2, 3 तीन नाम बताएं जो आपको लगता है कि ये स्टेप्स लिए गए सर। एक तो जो हमारी सेम जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है उसको फॉलो करने का निर्णय लिया गया है, तो बाय डिफॉल्ट है सर। और उसके अलावा सर कुछ स्कूल्स बनाए गए हैं जहां अंबेडकर, डॉक्टर अंबेडकर के नाम से कुछ छात्रावास के साथ कुछ स्कूल बनाए गए हैं जहाँ बैकवर्ड क्लास के बच्चों को आप पढ़ाई करवाएंगे सर। सर उसके अलावा हाल फिलहाल में कोचिंग का सिविल सर्विस की, मैं सर स्कीम का शायद मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, हाल फिलहाल में सिविल सर्विसेज की स्कीम जो बच्चे जो तैयारी करते हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की सर मैं कहूँगा, उनके लिए एक स्कीम चलाई गई है सरकार द्वारा कि जो तैयारी करा सकें सर। प्राइमरी स्कूल के लिए कुछ अलग से इनिशिएटिव लिए गए सर, मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ। ओके थैंक यू सर। से भी बात हो रही थी तो आपने एडल्ट्री कहा कि एडल्ट्री को सुप्रीम कोर्ट ने सब क्राइम की श्रेणी से हटा दिया सर। ऐसी स्थिति में अभी रिसेंटली दिल्ली हाई कोर्ट में एक रिट दायर की गई थी सर, और वो लोग सेम सेक्स मैरिज करना चाहते हैं सर, तो क्या उनको मैरिज के लिए अनुमति मिलनी चाहिए नहीं मिलनी चाहिए? एज अ लॉ स्टूडेंट मैं आपसे जानना चाहूँगा सर। अगर सर आप मेरा पर्सनल ओपिनियन जानना चाहेंगे तो मैं सर इसको कॉन्स्टिट्यूशन के साथ, जो कॉन्स्टिट्यूशन की सुंदरता है हमारी, जो डायनेमिज्म है उसमें, टाइम के साथ बदलने वाली जो उसमें एक कला है, उससे इंस्पायर होकर मैं कहूँगा सर जब तक समाज ही एक्सेप्ट नहीं करेगा चीज़ों को, तो हमें ये जो जितने भी लॉज हैं सर मेरे हिसाब से एज पर सोसाइटी के एडवांसमेंट के साथ उसकी सिंक्रनाइजेशन में उसके बराबर चलना चाहिए सर। तो जैसे ही माननीय हाईकोर्ट जैसा भी अगर उनको इस तरह का लगेगा तो मैं, उन्होंने एडल्ट्री को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया सर, तो मैरिज के लिए अनुमति देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए सर? आप मेरा व्यक्तित्व मतलब अकेला मेरा पर्सनल व्यू चाहते हैं या इसमें एक लॉ से बताइए? नहीं, तो सर मैं इसमें यह कहना चाहता हूँ कि अभी ऐसा आज सच हमारे पास कोई प्रोविजन नहीं है,
और ये काम सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट से ज़्यादा पार्लियामेंट को करना ज़रूरी है, जहाँ डिस्कशन से ये चीज़ उभर के आए, ना कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से ये बात को हमें दिया जाए। सर, मेरा ये पर्सनली ये मानना है, सुप्रीम कोर्ट को इन इश्यूज़ पे जो आप सोसाइटी एट लार्ज, जो बहुत ही ज़्यादा बड़ा इम्पैक्ट हो सकता है सर, बड़ा ड्रास्टिक चेंज होगा हमारे समाज में इसके बाद, तो ये कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के बजाय पार्लियामेंट से ये चीज़ निकल के आए, डिस्कशन के बाद निकल के आए, तो शायद ये अच्छा होगा सर। ओके, स्पोर्ट्स आपने अपनी हॉबीज में लिखा है सर, तो स्पोर्ट्स और एडमिनिस्ट्रेशन में क्या क्या सिमिलरिटीज हैं? सर, ये तो अगर मैं आपको ये बताऊं कि स्पोर्ट्स की वजह से मुझे कितना और एडमिनिस्ट्रेशन में आने के लिए जो चीज़ें मुझे क्वालिटीज में इनकल सिमिलरिटीज जाना चाहते हैं सर, स्पोर्ट्स और एडमिनिस्ट्रेशन में क्या सिमिलरिटीज हैं? सर, एक तो सबसे बड़ी टीम लीडरशिप है सर, टीम वर्क है सर। एडमिनिस्ट्रेशन में आप अकेले काम नहीं कर सकते, आपको पूरी टीम की ज़रूरत होती है, तो आपका टीम वर्क एक बहुत ही बड़ा एक वो है सर। दूसरा सर, नेवर गिविंग अप का एटीट्यूड ज़रूरी होता है सर। कभी कभी हमारे को रिजल्ट्स बहुत जल्दी नहीं मिलते, फेलियर्स मिलते हैं, तो उसके बाद हमें सर उसको लगातार कोशिश करना, परसिस्टेंस जिसको बोलते हैं सर, लगातार लगे रहना, ताकि हमारी जो इंटेंट थी उस पॉलिसी को, उस लॉ को बनाने में, उस डिसीजन को इम्प्लीमेंट करने में, वो हम कर पाएँ सर। इसके अलावा सर, ऑनेस्टी, स्पोर्ट्स में आपको ऑनेस्टी बहुत ज़रूरी है। आप अगर ईमानदार नहीं हैं अपने खेल के प्रति, अपने प्रैक्टिस के प्रति, तो आप रिजल्ट नहीं ले पाएंगे सर। तो ये दो तीन ऐसी क्वालिटीज़ हैं जो मुझे शायद काम आएंगी अगर मैं, मुझे मौका मिलेगा सर्विस में आने का। आप में क्या ऐसी खूबियाँ हैं जिसकी वजह से आपको सिविल सर्विसेज में सेलेक्ट किया जाए? सर, सबसे बड़ी खूबी तो मैंने आपको बताई अभी, जैसे कि नेवर गिविंग अप का एटीट्यूड। 2018 से मैं तैयारी कर रहा हूँ सर, कुछ बार मैं फेल भी हुआ, जितनी बार मैं फेल हुआ अगली बार मैं और अच्छी तैयारी से और मेहनत से और ताकतवर, अपनी कमियों को पहचानते हुए मैं आगे आया। एक तो सर मेरे में ये बहुत खूबी है जो कहीं ना कहीं मुझसे खेल से मुझे मिली है। दूसरा सर, पेशेंस है। मैंने कभी भी इस बात को नहीं अपने आप को परेशान किया कि शायद नहीं हो रहा, मैंने इसको, इस बात का मुझे एहसास था। कई बार चीज़ों में टाइम लगता है, समय लगता है, सपनों को सच्चाई बनने में थोड़ा टाइम लगता है, तो उसमें सर मैंने अपने आप को अपना धैर्य बनाए रखा। और सर, इसके अलावा मेरी ईमानदारी है, जिस ईमानदारी से मैंने खेल खेला है, अपनी हार को हार माना है और जीत में कभी भी गरूर नहीं किया, तो ये मेरी ईमानदारी रही है सर। तो ये मेरी कुछ तीन ऐसी खूबियां हैं जिसको मैं बता सकता हूँ सर। ओके, लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम द बोर्ड सर। अभी यूसीसी की बात हो रही है, यूनिफॉर्म सिविल कोड की हम लोग चर्चा कर रहे हैं सर, मैरिज को लेकर के सर। तो भारत में अगर यूसीसी को, यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू किया जाए सर, तो क्या क्या चैलेंजेज आप देखते हैं? सर, मैं अगर इसको थोड़ा सा, वही फिर आपसे परमिशन चाहूँगा, मैं इसको थोड़ा सा मोल्ड करूँ, तो यूनिफॉर्म ना करके कॉमन कर सकते हैं कि एक मॉडल लॉ होगा, सभी लॉज उसी के अराउंड अगर अपने आप को सिंक्रनाइज कर लें, क्योंकि सर हर पर्सनल लॉज बहुत डिफरेंट हैं, तो ड्रास्टिकली सबको एक करना में हो सकता है प्रॉब्लम आए इनिशियली सर, शुरू में दिक्कत आ सकती है, पर हम अगर एक मॉडल लॉ बना दें, उससे अपने अपने जितने भी पर्सनल लॉज हैं वो बने, तो शायद अच्छा होगा। वरना सर, मैं इसमें हक में हूँ कि बहुत जगह हमने, जैसे जहाँ जहाँ है, गोवा जैसे राज्य में सर, जहाँ यूनिफॉर्म सिविल कोड और यूनिफॉर्म कोड्स हैं सर सारे, तो वहाँ अच्छा हो रहा है सर। तो मैं ऐसा इसके विरोध में, मैं इसके अगेंस्ट नहीं हूँ। कुछ चीज़ें हैं उनको सोसाइटी पे छोड़ देना चाहिए एक मॉडल बना के, ताकि लोगों को ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट ना हो उसके हिसाब से सर। थैंक यू, थैंक यू सो मच सर।